हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ऐसा ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरी शेप बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसी शेप इंडिकेट करती है कि नेटिव काफी हार्डवर्किंग नेचर का होगा। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ मीडियम है और फिंगर्स में काफी सारे गैप्स नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर कुछ इस तरह के गैप्स इनकी फिंगर्स की सेटिंग में ही नजर आ रहे हैं, जो इंडिकेट करते हैं काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को। खासतौर पर इन दो फिंगर्स में जब ज्यादा गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े रेबिलियन टाइप के होते हैं, काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, और किसी के दबाव में रहकर या किसी के अंडर रहकर काम कर पाना इनके लिए काफी मुश्किल होता है। और अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी हार्डवर्किंग नेचर के होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर भी लेंथ में शनि फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती नजर आ रही है। बहुत ही कम डिफरेंस है इन दोनों फिंगर्स में। जब सूर्य फिंगर भी लंबाई में काफी ज्यादा लंबी हो, शनि फिंगर के इक्वल पहुंच जाए, तो ऐसे नेटिव रिस्क टेकर होते हैं। लाइफ में डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी दिखाने की इनकी नेचर रह सकती है, और ऐसा नेटिव रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स है। ऐसी जगहों पर भी ऐसे व्यक्ति अपने धन को इन्वेस्ट करने में रुचि दिखा सकते हैं। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी रहेंगी और ऐसे व्यक्ति अपना सोशल सर्कल काफी अच्छा बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके गुरु फिंगर की तो आप देख सकते हैं बृहस्पति फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है। बेशक यह फिंगर सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, थिकनेस में भी काफी अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं और ऐसे नेटिव काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। अब बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में अच्छा खासा गैप है। यहां पर इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर तो रहेगी ही, साथ ही साथ यह फिंगर लंबाई में भी काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं फिंगर की लंबाई इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी यहां पर पार करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा लंबी फिंगर है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे नेटिव के काफी अच्छे रहते हैं। कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी ऐसे नेटिव की काफी स्ट्रांग होती है और इवन ऐसे नेटिव बिजनेस के जरिए भी धन कमा सकते हैं। बिजनेस करने की काबिलियत भी इनके भीतर भरपूर रहती है। तो यहां तक हमने देखा इनकी फिंगर्स की लेंथ को। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके लगभग सभी माउंट साइड सेट हैं। हल्का सा यह माउंट लो सेट हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लो सेट इसको भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस माउंट को भी स्पेस अच्छी खासी मिलती नजर आ रही है। और इवन इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और गुरु माउंट, इन तीनों माउंट्स को तो स्पेस बहुत अच्छी मिल रही है। अगर हम बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की तो मरकरी माउंट यहां पर उभरा हुआ है, मरकरी माउंट को बहुत अच्छी स्पेस मिल पा रही है। लेकिन मरकरी रेखा की अगर हम बात करें तो बहुत ही हल्की सी मरकरी रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। यहां पर आपको एक बहुत ही लाइट सी रेखा नजर आएगी। यह रेखा जितनी डीप कट हो,
जितनी स्ट्रांग हो उतना ज्यादा प्रभाव इसका रहता है, लेकिन फिर भी यह रेखा यहाँ पर मौजूद है। बेशक हल्की है थोड़ी सी, लेकिन मनी ट्रायंगल बनाने में यह हेल्प कर रही है। मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ भी नजर आ रहा है। तीन रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यही वाली जिसको हम बुध की रेखा कहते हैं, मरकरी लाइन कहते हैं। दूसरी रेखा यह वाली होती है जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, वो भी यहाँ पर काफी अच्छे से मौजूद है। और तीसरी रेखा जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग दिखाती हुई भी नजर आ रही है। बीच में आप देखोगे इस एरिया में थोड़ा सा मनी ट्रायंगल खुला हुआ, और इस एरिया से भी यह मनी ट्रायंगल हल्का सा खुला हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़े खर्चे अधिक रह सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल का बनना ही अपने आप में एक अच्छा योग होता है। और अगर यह कंप्लीट हो जाता है और यह रेखाएं आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं, तो बहुत अच्छा धन अकमुलेट करने में भी यह कामयाब हो पाएंगे। तो यहां पर हमने देखा इनकी मरकरी लाइन को, यह वाली जो रेखा है इसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। इसके मौजूद होने से नेटिव का बिजनेस एक्मन स्ट्रांग होता है, नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है फ्लैट नजर आ रहा है, हल्का सा दबता हुआ माउंट इसको मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ माउंट यहां पर नजर नहीं आ रहा, और सूर्य रेखा का यहां पर अभाव है। अगर यह माउंट फ्लैट हो या दब रहा हो तो नेटिव को बहुत ज्यादा फेम और यश नहीं मिल पाता, यहां पर थोड़ी सी यश की कमी रहेगी। ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड या यश ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता, तो यहां पर इस चीज की दिक्कत रहेगी। और अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाली सूर्य रेखा के बारे में, तो यहां पर शनि रेखा तो मौजूद है लेकिन सूर्य रेखा नहीं। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा कहां पर मौजूद होती है। ज्यादातर लोगों के हाथ में यह रेखा यहां पर हार्ट की लाइन के बिल्कुल ऊपर एक रेखा के रूप में मौजूद होती है। अगर इस तरह की रेखा भी मौजूद हो तब भी वो नेटिव को एक अच्छा फेम पाने में हेल्प करती है, और अगर यह रेखा कुछ इस तरह से लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो तब नेटिव को बहुत ज्यादा फेम मिल पाता है। तो यहाँ पर इस रेखा का अभाव नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, तो यह जो एरिया है शनि माउंट का एरिया, हल्का सा दबता हुआ माउंट नेटिव से हार्ड वर्क करवाता है, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं। और यहां पर जो इनकी भाग्य रेखा है वो भी थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। बीच में एक गैप इंडिकेट कर रही है, यहां से भाग्य रेखा की शुरुआत होती हुई चंद्र के एरिया से, और इस तरह की भाग्य रेखा बीच में कुछ हल्के गैप्स को इंडिकेट करती हुई। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा बेशक थोड़ी ओवरलैपिंग शो, लेकिन ओवरलैपिंग के बावजूद यह रेखा स्ट्रांग होकर 36 के आसपास की एज से कंप्लीट इनके शनि माउंट तक पहुंच रही है। यहां से जो दोबारा से इस रेखा की शुरुआत हो रही है इनकी माइंड लाइन से, लगभग 36 की एज इस एरिया से शुरू होती है, और यहां से आपको ये नजर आएगा कि रेखा बहुत अच्छी स्ट्रेंथ गेन करती हुई कंप्लीटली इनके शनि माउंट तक पहुंच रही है। तो एक अच्छी रेखा के रूप में यहां पर यह 36 की एज से इनको लाभ देगी। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की, तो आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट प्रोमिनेंट है जिस वजह से नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी। इनकी बृहस्पति फिंगर यानी कि गुरु फिंगर की लंबाई भी हमने चेक किया, काफी अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं जिनके हाथ में जो गुरु माउंट है उभरा हुआ हो। गुरु माउंट के साथ अगर और भी चिन्ह मौजूद हो तो और भी ज्यादा उसका लाभ मिलता है, लेकिन यहां पर इनके हाथ में अंगूठे के ऊपर जो ये बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा है यह कंप्लीट नहीं है। इस साइड से आपको ये खुला हुआ नजर आएगा, अगर यह इस साइड से भी ऐसे बंद हो जाता है तब इसका लाभ नेटिव को मिल पाता है। तो ऐसा कंप्लीट बुद्धाजाई अगर किसी के व्यक्ति के हाथ में हो तो उस नेटिव की सिक्स सेंस स्ट्रांग हो जाती है। तो यहां पर यह बुद्धाजाई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना इन्हें स्पिरिचुअल नेचर देगा, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा रहेगी। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो इनकी लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से चलती हुई, और एक ब्रांच हल्का सा ऊपर की तरफ निकलती और एक ब्रांच बाहर की तरफ आती हुई, इस तरह की रेखाओं से ये विष्णु सिंबल यहां पर बन रहा है शनि माउंट के बिल्कुल नीचे। इस तरह का चिन्ह जिनकी हथेली पर भी बनता है ऐसे नेटिव लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे
तब लाइफ में बहुत सारी अड़चनों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहां पर जिनके हाथ पर भी इस तरह का वी सिंबल बनता है, उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि लाइफ में कभी भी बेईमानी से पैसा कमाने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आपको सहन करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन बहुत अच्छी है, हल्का सा अपर इसका कर्व आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी, हार्ट की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। कुछ हल्की छोटी छोटी ब्रांचेस ऐसी इस लाइन से नीचे की तरफ आपको आती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस होने से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावना भी रहती है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफी अच्छी लेंथ में, मस्तिष्क रेखा इसको हम कहते हैं, बहुत अच्छी लंबाई में ये नजर आ रही है। काफी स्ट्रॉन्ग मेमोरी ऐसे व्यक्ति की रहती है, काफी शार्प मेमोरी होती है जिनकी यह रेखा लंबाई में हो, और ऐसे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रखने की कैपेसिटी रखते हैं, पुरानी बातों को नहीं भूल पाते ऐसे व्यक्ति, जिस वजह से कई बार थोड़ी एंग्जाइटी का सामना भी करना पड़ता है। अदरवाइज इस रेखा का अच्छी लंबाई में होना और स्ट्रेट होना बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छी लेंथ में है और लाइफ लाइन के अंत में केतु माउंट पर हल्की रेखाओं से एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा केतु माउंट के ऊपर बनने वाले इस चिन्ह की शेप को। यहां से आपको कुछ इस तरह की एक रेखा नजर आएगी और कुछ इस तरह की एक हल्की रेखाओं से इस तरह की रेखा जो एक फिश टाइप का सिंबल इस एरिया में ड्रॉ कर रही है, जिसकी वजह से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी लाइफ में मिलता है। और अगर हम लाइफ लाइन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन यहाँ पर एक गैप को इंडिकेट कर रही है इस एरिया में आकर, और आगे यह रेखा कंटिन्यू हो रही है लेकिन बीच में एक गैप नजर आ रहा है। इसकी वजह से 65 के बाद की एज में थोड़ी सी हेल्थ में वीकनेस आने की संभावना रहेगी। ओवरऑल जो एज है वो 80 के आसपास रहने की संभावनाएं यहां पर इनकी लाइफ लाइन दर्शा रही है। वीनस माउंट की अगर बात करें तो काफी उभरा हुआ वीनस माउंट है, जिस वजह से लाइफ में हर तरह की सुविधाएं और लग्जरीज ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है। थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रहने की संभावना रहती है। अगर हम बात करते हैं इनके चंद्र माउंट की तो चंद्र माउंट का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। हल्की रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है। काफी ज्यादा ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहती है और फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।